पानी पूरी तो बच्चों से लेकर बड़ी सभी की फेवरेट होती है। चलिए आज हम पानी पूरी बनाते हैं। आज मैं आपको ट्विस्ट के साथ एकदम चटपटी फ्लेवरफुल पानी की रेसिपी बताऊंगी। पानी में मैंने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जिससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। साथ ही साथ काले चने और आलू की स्टफिंग भी बनाएंगे। सबसे पहले पानी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक मीडियम बाउल पुदीना लिया है। इसे अच्छे से वॉश करके एक मिक्सर जार में ऐड कर देंगे। पुदीने से थोड़ा ज़्यादा हम यहाँ पर एक बाउल के करीब कटी हुई धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। पुदीना से थोड़ा ज़्यादा हमें धनिया पत्ती लेनी है। एक कटी हुई हरी मिर्च ले लेंगे। थोड़े चॉप किए हुए अदरक ऐड कर देंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़े चॉप किए हुए कच्चे आम ऐड कर रही हूँ। फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। अगर कच्ची केरी आम नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करें। यहाँ पर मैंने कुछ इमली लिया है। अब इसे हम आधे घंटे गर्म पानी में सोक होने के लिए रख देंगे। आधे घंटे हो चुके हैं। अब इसे हम मिक्सर जार में ऐड कर देंगे। गुड़ ऐड कर देंगे, खटास को बैलेंस करेगा और साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर भी देगा। कुछ आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से ब्लेंड करके एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम एक स्ट्रेनर में इसे अच्छे से डालकर छान लेंगे। आप इस तरीके से इस पानी को ज़रूर से बनाकर ट्राई दे। ट्रस्ट मी, आपने कभी भी पानी ऐसा ट्राई नहीं किया होगा। मेन पानी पूरी का जो मेन जो जान होता है वो पानी होता है, तो आप एक बार इस तरीके से पानी ज़रूर से बनाकर ट्राई दे। यहाँ पर मैंने 2-3 टेबलस्पून पेस्ट निकाल लिया है जो कि हम स्टफिंग में यूज़ करेंगे। अब हम नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर देंगे। काला नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम एक सीक्रेट मसाला ऐड करेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पैन में 2-3 टेबलस्पून के करीब जीरा ऐड कर दिया है। आधे मिनट इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। थोड़ी देर हो जाएगा, रोस्ट हो जाएगा जब जीरा। अब हम इसमें थोड़ी काली मिर्च ऐड करेंगे और 4-5 सूखी लाल मिर्च। मैंने यहाँ पर तीखा वाला जो लाल मिर्च होता है उसे ऐड किया है। आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करें। अब हम 2 मिनट इसे लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। सभी चीज़ें ठंडी हो चुकी है। एक मिक्सर जार में ऐड कर देंगे। अब इसे हम दरदरा सा क्रश कर लेंगे। पाउडर हमारा रेडी है। यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून के करीब इस पाउडर को ऐड कर रही हूँ। आप स्वाद के हिसाब से ऐड कर ली। अब मैं यहाँ पर 2 ग्लास सर्विंग के हिसाब से आप एकदम ठंडा चिल्ड पानी ऐड कर देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स दे देंगे। एक बार इस फ्लेवर वाले पानी को आप ज़रूर से ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से करें। अब मैं कुछ स्लाइसेस नींबू की ऐड कर रही हूँ। थोड़े बारीक चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। एक क्रंची फ्लेवर आएगा। कटी हुई धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स दे देंगे। हमारी एकदम टेस्टी चटपटी पानी बनकर रेडी हो चुकी है। इसे मैं एक मटकी में निकाल रही हूँ जिससे ये एकदम ठंडी ठंडी रहे और एकदम फ्रेश रहे। चलिए अब हम स्टफिंग बना लेते हैं। पानी हमारी रेडी है। 1 बाउल हम यहाँ पर ओवरनाइट सोक किया हुआ काला चना ऐड कर देंगे। 6-7 घंटे हमें सोक करके रखना है चना। 5 मीडियम साइज के मैं यहाँ पर आलू के छिलके निकाल कर ऐड कर रही हूँ। इससे झटपट दोनों
फटाफट से बॉईल हो जाएंगे। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, बट इस तरीके से करें, टाइम बचेगा। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, सभी चीज़ें डूब जाए उतना पानी ऐड कर देंगे। कुकर का ढक्कन लगा कर मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है, सभी चीज़ें अच्छे से बॉईल होकर रेडी है। पानी को छान कर अलग कर लेंगे। अब इसे अच्छे से ठंडा करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब सभी को इस तरीके से हाथों की मदद से मैश कर लेंगे। स्टफिंग काफ़ी टेस्टी बनने वाली है, तो वीडियो में ज़रूर से बने रहे। एक बार आप इस स्टफिंग को इस तरीके से बनाकर ट्राई दे, ट्रस्ट मी, आप मार्केट की पानी पूरी खाना भूल जाएंगे। ऐसे इतनी टेस्टी बनकर रेडी हुई है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही यूनिक रेसिपीज़ आप देखते रहे। सभी चीज़ें मैश हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दूँगी। कटी हुई खूब सारी धनिया पत्ती ऐड कर देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। प्रिपेयर किया हुआ पेस्ट ऐड कर देंगे, इससे भी स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर देंगे, काला नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, प्रिपेयर किया हुआ मसाला ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। अब हम जो प्रिपेयर की हुई पानी है उसे ऐड कर देंगे, फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाएगा और सेम मार्केट स्टाइल इसका स्वाद आएगा। अब हम यहाँ पर 2-3 कोरी पूरी जो होती है उसे क्रश करके ऐड कर देंगे, बहुत ही स्वादिष्ट स्टफिंग लगेगी आपकी इससे, एकदम मार्केट स्टाइल आपका इसका स्वाद बन के आता है। अब सभी को अच्छे से मिक्स दे देंगे। ट्रस्ट मी, आप इस तरीके से इस पानी और इसके स्टफिंग को एक बार ज़रूर से गाइस बनाकर ट्राई दे, आपको ये इतना पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आई हो ये रेसिपी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर से शेयर करें और इस रेसिपी को ट्राई करना ना भूलें। हमारी एकदम चटपटी टेस्टी स्टफिंग बनकर रेडी है, इसे तुरंत से सर्व कर ले। आई होप आपको ये पानी और ये स्टफिंग की रेसिपी ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में बताएं कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thank you so much for watching this video.